हेलो फ्रेंड्स, आइए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर सीखें बबल चार्ट बनाना। द बबल चार्ट इज यूज्ड व्हेन देयर आर थ्री इंटरडिपेंडेंट न्यूमेरिक पैरामीटर्स टू बी शोन ऑन ए चार्ट। बबल चार्ट को समझते हैं हम अपने एक एग्जांपल की हेल्प से। मेरा ये एग्जांपल है एयरलाइंस इन इंडिया से रिलेटेड। यहाँ पर चार कॉलम्स है। फर्स्ट है एयरलाइंस, जिसमें कुछ एयरलाइंस के नेम है, इंडिगो, जेट एयरवेज, एयर इंडिया, स्पाइस जेट। इन एयरलाइंस में कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं और ये एयरलाइन कितने डेस्टिनेशन के लिए अवेलेबल हैं और इन एयरलाइंस की रिवेन्यू जो कि बिलियन डॉलर्स में है। जैसे फर्स्ट इंडिगो, इंडिगो में काम करते हैं 5000 एम्प्लॉइज और इंडिगो एयरलाइंस अवेलेबल है 40 डेस्टिनेशन के लिए और इसकी रिवेन्यू है 2.5 बिलियन डॉलर्स। यहाँ पर मैंने पहले से ही एक बबल चार्ट प्रिपेयर करके रखा है। आइए इस बबल चार्ट को समझें। ये मेरा बबल चार्ट हमारे बाकी चार्ट से कैसे डिफरेंट है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, वाई एक्सिस पर है डेस्टिनेशन और साथ में ये जो अंदर बबल्स हैं इन बबल्स का साइज भी अलग अलग है। किसी भी बबल का साइज डिपेंड कर रहा है इसके रिवेन्यू के ऊपर और इस बबल की एक्स एक्सिस से यहाँ से जो दूरी डिपेंड करती है वाई एक्सिस की वैल्यूज पर और इस बबल का यहाँ से डिस्टेंस डिपेंड करता है हमारी एक्स एक्सिस की वैल्यूज पर। जैसे हम एक बबल को लेते हैं, ये बबल है जेट एयरवेज का। जेट एयरवेज की जो रिवेन्यू है वो है 3.2 बिलियन डॉलर्स डिपेंड इस और इसका रिलेशन है इन बबल्स के साइज के साथ। जितनी ज्यादा रिवेन्यू उतना बबल का साइज ज्यादा। साथ में ये बबल यहाँ से किस हाइट पे है डिपेंड करता है वाई एक्सिस की वैल्यू पर। डेस्टिनेशन ये 60 डेस्टिनेशन के लिए अवेलेबल है और इस बबल का यहाँ से डिस्टेंस डिपेंड करता है एक्स एक्सिस की वैल्यूज पर जो कि है यहाँ पर 15,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। ये बबल चार्ट कैसे बना है इसे समझने के लिए मैंने एक वर्कशीट में अलग से डेटा कॉपी करके रखा है। आइए समझें बबल चार्ट बनाना स्टेप बाय स्टेप। इंसर्ट टैब के अंदर चार्ट्स ब्लॉक के अंदर अदर चार्ट्स में हमारे पास दो तरह के बबल चार्ट्स अवेलेबल हैं, सिंपल बबल और बबल विद 3D इफेक्ट। मैं सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ, मेरे पास एक ब्लैंक चार्ट आ जाता है। इस ब्लैंक चार्ट के अंदर हम डेटा सिलेक्ट करते हैं। चार्ट टूल्स के अंदर डिजाइन और डिजाइन के अंदर हम सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, एड पे क्लिक करेंगे। एड पर यहाँ पर एडिट सीरीज में हमें 4 चीजें सिलेक्ट करनी है, सीरीज नेम, सीरीज एक्स वैल्यू, सीरीज वाई वैल्यू, सीरीज बबल साइज। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो आप एक्स एक्सिस पर अपना पैरामीटर लेना चाहें उसको एक्स एक्सिस के लिए सिलेक्ट कीजिए और इस तरह वाई वैल्यूज के लिए भी और बबल साइज। यहाँ पर मैं सीरीज नेम, जैसे हमारे पास है एयरलाइन का नेम इंडिगो और सीरीज एक्स वैल्यूज में ले रही हूँ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हैं। सीरीज वाई वैल्यूज यहाँ पर डेस्टिनेशन और सीरीज बबल साइज 2.5 बिलियन डॉलर और ओके करते हैं। मैं नेक्स्ट फ्लाइट के लिए जेट एयरवेज के लिए और सीरीज एक्स वैल्यूज 15,000, सीरीज वाई वैल्यूज 60 और बबल साइज यहाँ पर ये 3.2 ओके करते हैं और नेक्स्ट ऐड करते हैं हम एयर इंडिया, सीरीज वैल्यूज एक्स के लिए और वाई के लिए, डेस्टिनेशन की जो हमारे पास वैल्यू 80, सीरीज बबल साइज दिस वन और ओके करते हैं।
एक बार लास्ट है ऐड स्पाइस जेट सीरीज एक्स वैल्यूज के लिए, एक्स वैल्यूज के लिए हमारे पास 2000 और सीरीज वाई वैल्यू के लिए 30 और ये बबल साइज आइए लें 1.5। ओके करें, अगेन ओके। हमारा चार्ट रेडी है, आइए इस चार्ट को रीड करें और इस चार्ट के अंदर जहाँ भी नीड है हम उसको अमेंड करें। ये चार्ट का साइज थोड़ा सा इनलार्ज कर लिया। यहाँ पर देखें एक्स एक्सिस पर ये मेरी जो वैल्यूज है -5000 से स्टार्ट है, मुझे हॉरिजॉन्टल वैल्यूज को जीरो से स्टार्ट करना है। इसको फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट करने के लिए करंट सिलेक्शन के अंदर हम हॉरिजॉन्टल वैल्यूज एक्सिस और फॉर्मेट सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं। एक फॉर्मेट एक्सिस का डायलॉग बॉक्स ओपन है। यहाँ पर मिनिमम जो शो कर रहा है -5000, मैं इसको फिक्स करती हूँ जीरो पर। आइए इसको डिलीट करें और जीरो ऐड करें और 25000 मुझे ओके लग रहा है और मुझे और किसी चीज़ के अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं, मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। आइए देखें मेरा एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज थी वो अमेंड हो गई। आइए इन बबल्स के अंदर अपनी पिक्चर इंसर्ट करते हैं प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। इंडिगो के अंदर इन पिक्स को पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए मैंने अपने पास पहले से एक फाइल बना कर रखी है। सबसे पहले इंडिगो जो रेड कलर से है, आइए इसको सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें फॉर्मेट डेटा सीरीज। फॉर्मेट डेटा सीरीज का एक डायलॉग बॉक्स ओपन है, फिल पर क्लिक करते हैं। पिक्चर और टेक्सचर के लिए हमें यहाँ पर इंडिगो की देनी है और ये मेरे पास पिक्चर फाइल में सेव्ड है तो मैं इंसर्ट फ्रॉम फाइल पर क्लिक करूँगी। फाइल पर क्लिक करते ही मेरे पास यहाँ पर इंडिगो की पिक्चर, इंडिगो के लिए मुझे ये चूज करनी है और मैं इसको इंसर्ट कर देती हूँ। इंडिगो की पिक्चर इंसर्ट हो गई और दूसरा है मेरे पास जेट एयरवेज, मैं इस पर क्लिक करती हूँ और फिर से फिल के ऊपर पिक्चर और टेक्सचर फिल और इंसर्ट फ्रॉम फाइल और जेट एयरवेज की पिक्चर, तो इसको इंसर्ट कर देते हैं। और एयर इंडिया इसको सिलेक्ट करते हैं, फिल के ऊपर पिक्चर और टेक्सचर फिल के ऊपर फाइल के ऊपर और एयर इंडिया के लिए ये हमने पिक्चर रखी है सेव की हुई है, इंसर्ट कर देते हैं। और स्पाइस जेट के लिए, स्पाइस जेट के लिए भी सेम प्रोसेस, पिक्चर और टेक्सचर फिल और इंसर्ट फ्रॉम फाइल और स्पाइस जेट के लिए भी पिक्चर को इंसर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास चारों के लिए पिक्चर भी इंसर्ट हो गई। हमें यहाँ पर इस लेजेंड की जरूरत नहीं है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। आइए वैल्यूज डेटा लेबल दें। डेटा लेबल देने के लिए फॉर्मेट के अंदर, फॉर्मेट के अंदर हम लेआउट के अंदर डेटा लेबल्स, डेटा लेबल्स के ऊपर हम मोर डेटा लेबल्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये जो वैल्यूज आ रही हैं ये वाई वैल्यूज वाली वैल्यूज दिखा रहा है, हम यहाँ पर वाई वैल्यूज को अनचेक कर देते हैं और बबल साइज जो रिवेन्यू को शो करता है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो देखिए ये रिवेन्यूज शो कर रहा है, हम इनकी बॉक्सेस देना चाहें और फॉर्मेट के अंदर शेप आउटलाइन के ऊपर हम ब्लैक को क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से हम बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए बॉक्स इंसर्ट करने के लिए ये बॉक्स अवेलेबल हैं, हम बाकी इनके भी बॉक्स इंसर्ट कर देते हैं। आइए एक बॉक्स और रह गया है, ये बॉक्स भी इंसर्ट हो गया। इस तरह चार्ट बनाने के बाद हम अपने चार्ट के ऊपर चार्ट टाइटल जो हमारे पास ऑप्शन रहती है अवेलेबल लेआउट के अंदर, चार्ट टाइटल देना चाहें, एक्सेस टाइटल देना चाहें, डेटा लेबल्स और भी अगर हमारी कोई नीड है तो उसके अकॉर्डिंग ऐड करना चाहिए तो हम कर सकते हैं। हम अपना चार्ट इस तरह से प्रेजेंटेबल बना सकते हैं, प्लॉट एरिया के अंदर कलर देकर, चार्ट एरिया के अंदर कलर देकर, अपनी वाई एक्सिस का टाइटल, एक्स एक्सिस का टाइटल और चार्ट का टाइटल देकर। तो फ्रेंड्स आज हमने सीखा बबल चार्ट बनाना, पिक्चर इंसर्ट करना, एक्स एक्सिस को अमेंड करना और बबल चार्ट्स
का यूज क्या है। बबल चार्ट थ्री इंटरडिपेंडेंट न्यूमेरिक पैरामीटर्स को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप